हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को सरकार माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के जो क्राइटेरिया हैं उसमें उनको डिसाइड करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी बोला था दैट द क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस हैज टू बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल। ये तीन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए दिसंबर के महीने में दिल्ली सरकार ने पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए सभी स्कूलों को कहा कि आप अपने अपने क्राइटेरिया खुद ही बना लीजिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था। उस क्राइटेरिया को आप अपनी वेबसाइट पे डालिए और किस बच्चे को किस क्राइटेरिया में कितने नंबर मिले ये भी आप अपनी वेबसाइट पे डालिए। जो डेटा, तो हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी हो, हर पेरेंट को पता चले कि मेरे बच्चे को इतने नंबर इस क्राइटेरिया में मिले, क्यों एडमिशन मेरे बच्चे को मिला या नहीं मिला, सबको पता चले। अब जो स्कूलों ने अपने क्राइटेरिया डाले हैं वो देख के हम लोग काफी शॉक्ड हैं। इसमें दो मुद्दे उठते हैं। पहला, जब उन क्राइटेरियाज को हमने कंपाइल किया तो कुछ स्कूलों ने क्राइटेरिया डाला है कि जिनके मां बाप नॉन वेज खाना खाते हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जिनके मां बाप स्मोकिंग करते हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, दीज आर द क्राइटेरिया दे हैव यूज्ड, जिनके मां बाप ड्रिंकिंग करते हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जिनके मां बाप पेंटिंग जानते हैं उनको पॉइंट्स मिलेंगे, जिनके मां बाप म्यूजिक जानते हैं उनको पॉइंट्स मिलेंगे। द क्राइटेरिया आर सो आर्बिट्ररी, इतने गलत हैं और डिस्क्रिमिनेटरी हैं। आज ये ऑर्डर जारी किया जा रहा है कि इस किस्म के, दिल्ली सरकार ने जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया देखे सारे कंपाइल करके 62 इस किस्म के इलस्ट्रेटिव है, वो तो 62 क्राइटेरिया डिक्लेयर किए जा रहे हैं कि ये फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और उनको वो, बट दीज 62 आर नॉट, दे आर जस्ट इलस्ट्रेटिव इंडिकेटिव कि इस किस्म के क्राइटेरिया अलाउ नहीं किए जाएंगे। ढेरों प्राइवेट स्कूल्स ने जबरदस्त रिजर्वेशन कर लिया है। मैं आपके सामने तीन स्कूल दिखाता हूं। ये एक स्कूल है, नाम ठीक नहीं है लेना। इस स्कूल ने 75% सीटें रिजर्व कर लिया, 25% ओपन में है केवल। ओनली 25% सीट्स आर ओपन फॉर योर किड्स, बाकी 75% सीट्स रिजर्व्ड हैं। ये दूसरा स्कूल है, इसमें भी 25% सीट्स ओपन है। उसके बाद ये तीसरा स्कूल है, इसमें भी 25% सीट्स ओपन है, 75% सीट्स रिजर्व्ड हैं। 75% सीट्स किस चीज की रिजर्व्ड हैं? 25% तो कोर्ट भी कहता है 25%, और वो जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्व्ड है। आज ऑर्डर ये जारी किया जा रहा है कि 25% कोटा केवल होगा। कोर्ट ने कोटा अलाउ नहीं किया था कि कोटा आप कर सकते हो, 25% कोटा ईडब्ल्यूएस का है, 75% सीट्स आपको जनरल में जनता को देनी पड़ेगी। तो आज हम 50% हर स्कूल में सीट एक्स्ट्रा जनता के लिए खोल रहे हैं।